मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी जी। बाय बाय। पता नहीं कहाँ मर जाती है, दरवाजा तक नहीं खोल सकती। जी नमस्ते। नमस्ते। तुम? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं मानसी, उर्मिला दीदी की छोटी बहन। अच्छा मानसी, वो क्या है ना कि तुम्हें बहुत दिन से देखा नहीं है ना, इसलिए पहचान नहीं पाई। वो क्या है ना, मैं अपने काम में इतनी उलझी रहती हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा है। अच्छा मानसी, ये बताओ कि क्या तुम ऐसे ही कपड़े पहन के बाहर निकलती हो? क्यों, इन कपड़ों में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उर्मिला भाभी दूसरों को तो संस्कार और सदाचार का बड़ा अच्छा लेक्चर देती है, तुम्हें कुछ नहीं कहती? देखिए, मैं अपनी जिंदगी में किसी की दखल नहीं चाहती। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और अपने ढंग से जीती हूँ। चलो अच्छा है, बैठो। बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? वो उर्मिला दीदी घर पर नहीं है। तुम्हारी दीदी का घर में मन कहाँ लगता है? जब से निशांत भैया आए हैं बाहर ही घूमती रहती है। बैठो, इंतजार करो, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो जल्दी आ जाएंगी। चाय पानी कुछ लोगे तुम? जी नहीं थैंक्स। ले लो चाय वगैरह कुछ ले लो, वरना उर्मिला भाभी कहेंगी कि उनकी बहन की खातिरदारी तक नहीं की। कुछ तो लेना पड़ेगा तुम्हें। देखिए ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप परेशान ना हो। नहीं, मैं गीता को कह देती हूँ, वो तुम्हें पूछ लेगी। इस लड़की को कितना घमंड है। वाह क्या बात है, माँ ने नाम रखा मुरारी। ये गरीब आदमी कड़का, देखो दूसरे के पैसे पे ऐश कर रहा है, राजा बना बैठा है। मुरारी जिसे दूसरों के पैसे से शराब पीने की लग गई बीमारी, जिसने कई दुश्मनों की लुटिया डुबोई और कई दोस्तों की नैया तारी। अरे कौन है भाई? अरे लोगों को मालूम है कि ये मुरारी का प्राइवेट टाइम है, लेकिन प्राइवेट टाइम में भी दिमाग खराब करने चले आते हैं। अरे आ रहा हूँ, आग लगी है क्या? कौन है? अरे मैडम, आप इस वक्त ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना कोई बातचीत। मेरे लिए आना जरूरी था। अरे मैडम, ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी? मुझे बता दिया होता मैं हाजिर हो जाता, आपने क्यों तकलीफ की? सागर कहाँ है? अरे बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। आप वो इतनी दूर बम्बई से आई हैं? बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो सागर कहाँ है, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। अरे क्या बात है मैडम, ये आज अचानक उससे मिलना जरूरी क्यों हो गया? कोई खास बात है मैडम?
आज क्या मदर डे है? यही समझ लो, सागर कहाँ है? मैडम वो यहाँ नहीं रहता है, वो तो अब वहीं रहता है जहाँ से आप आई हैं, मुंबई में। क्या? और तुमने मुझे ये बात बताई नहीं? मैं कैसे बताता मैडम, सागर ने किसी को भी उसके बारे में कुछ भी बताने से मेरे को मना किया। तुम्हें मेरा कहा मानने के लिए पैसे दिए जाते हैं सागर का? देखिए मैडम, सागर अब बड़ा हो गया है, वो मेरी एक नहीं सुनता है। मैंने तुम्हें हमेशा कहा था मुरारी, तुम उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखोगे, उसे कहीं नहीं जाने दोगे। अरे मैडम, उसे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, अब बड़े बच्चे को डांट भी नहीं सकते ना, और बड़ा होने के बाद तो उसके रंग रंग ही बदल गए हैं, और जब से उसने सुना है कि लावारिस। कौन कहता है कि मेरा बेटा लावारिस है, अनाथ है, माँ के होते हुए उसका बेटा लावारिस कैसे हो सकता है? वो लावारिस नहीं है मुरारी, मैं आज उसे अपने साथ लेने आई हूँ। कहाँ है सागर? चलो मेरे साथ और बताओ कहाँ है सागर। अरे अभी। हाँ अभी इसी वक्त। अरे क्या बात कर रही है मैडम, इतनी रात का वक्त है, इस वक्त तो बंबई के लिए ना बस ना ट्रेन, लावारिस हो गया। चुप मुरारी, मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे सिर्फ ये सुनने के लिए दिए कि मेरा बेटा लावारिस? लावारिस एक ऐसा शब्द जिसके साथ मैं जीता हूं। हमारी जिंदगी एक बदनुमा दाग है, लोग हर जगह हमसे सवाल करते हैं कि आपके माँ बाप कौन है, स्कूल में, कॉलेज में, आस पड़ोस में, हर जगह, लेकिन जवाब नहीं होता, सिर्फ होती है घुटन, सिर्फ घुटन। वेरी गुड सागर। सागर रात बहुत हो चुकी है, हम लोग कल रिहर्सल करेंगे, ठीक है? अरे मौसी आप? हाँ बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं खुद ही नैना को लेने आ गई। चलिए हम लोग भी निकल रहे थे। दीदी। अरे मानसी तुम कैसी हो? ठीक हूँ। हाय जीजू। हे मानसी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, बस आप लोगों के गले पड़ने आई हूँ। क्या मतलब? दीदी मतलब ये कि फिलहाल मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, और मैं मम्मा पापा के पास भी जाना नहीं चाहती, इसीलिए जब तक मेरे रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? कमाल करती हूँ, ऐसे क्या देख रही हूँ, इसमें कोई पूछने वाली बात है? मानसी तुम्हारी सगी बहन है और हमारी इकलौती साली, तो यार थोड़ी है। जीजू बस कुछ ही दिनों की बात है। सिर्फ कुछ दिनों की क्यों बात है, जब तक तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ पर रह सकती हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके थैंक्स जीजू। मानसी चित्रा से कोई बात हो गई क्या? नहीं दीदी, चित्रा दीदी ने उस घर और शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? इस क्यों का जवाब अब सिर्फ तुम दे सकते हो। हेलो। हेलो क्या बोलते हो, कब तक इंतजार करूंगी मैं निशांत? डोंट यू केयर फॉर मी, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है? संजना मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम्हारे सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला निशांत,
मैं कब तक यूं ही अपनी जिंदगी की रातें अकेली बिताती रहूंगी निशांत? You're my husband, damn it! तुमने मेरे साथ हर दूसरा दिन और हर दूसरी रात बिताने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? देखो, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। अच्छा निशांत, कब तक यूं ही मेरी बातों को छुटलाते रहोगे? I am not a useless piece of furniture. Do you understand that? Damn it! मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें ये बार-बार कहने की क्यों जरूरत पड़ती? सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए। मैं कुछ भूला नहीं हूँ संजना, और कभी भूल भी नहीं सकता। देखो निशांत, मुझे तुम्हारी बातों से कोई तसल्ली नहीं मिलने वाली, ओके? तुम साफ-साफ बताओ तुम कब आ रहे हो मुझे मिलने? मुझे भी मेरे पति का साथ चाहिए निशांत। देखो संजना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तुमसे मिलने आया भी था, लेकिन मुझे क्या पता था उर्मिला वहाँ पे पहले से मौजूद होगी। दिन के उजाले में निशांत, उर्मिला के पति बनकर आना तो बहुत ही आसान है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास मेरे पति बनकर आओ। देखो, वो इस शहर में यहाँ मुमकिन नहीं, यहाँ हर कोई जानता है मुझे, कभी किसी ने देख लिया तो। अरे तुम्हें लोगों से नहीं, मुझसे डरना चाहिए। निशांत, तुम्हारे ही कहने पर मैंने उर्मिला को मेरी सच्चाई नहीं बताई है, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। अगर एक दिन तुम उर्मिला के साथ बिताओगे तो दूसरे दिन पर अधिकार मेरा होगा। देखो संजना, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने आप से दूर रखकर खुश हूँ? मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अब लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है निशांत। मैं कल रात तुम्हारा इंतजार करूंगी, और अगर कल की रात तुमने मेरे साथ नहीं बिताई तो उस दिन की आने वाली सुबह तुम्हारे लिए बहुत ही भारी पड़ेगी। Do you understand that? हेलो, वाह भांजे वाह, अरे बंदर के हाथ में शीशा मिल गया और वो अपना ही मुंह नोचने लगा, तुम्हारा तो यही हाल हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं मामूजी? अरे तुमने अनीता के प्यार को इतना कमजोर समझ लिया कि तुम कुछ भी करते रहोगे और वो बर्दाश्त करती रहेगी। बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूँ मामा जी। हाँ, तुम बर्दाश्त कर रहे हो, उस पे हाथ उठा के तुम बर्दाश्त कर रहे हो। ओ, तो उसने आपको ये भी बता दिया? अरे वो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बताना पड़ गया, क्योंकि वो मेरी इज्जत करती है। वो तुम्हारी तरह नहीं है जो अपने मामा की छीछा लेदर करने पे उतारू है। देखिए मामा जी, मेरे किए की जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, और कोई नहीं। तो फिर ये शहर छोड़कर कहीं चले जाओ तुम, क्योंकि शहर में हर कोई जानता है कि तुम मेरे भांजे हो। अरे अपने मामा को अपनी बेहूदगी का जामा क्यों पहना रहे हो तुम? मामा जी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। तो अनीता पे हाथ उठाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो, कि तुम बहुत बड़े मर्द हो? अरे अभी तक उसकी माँ को पता नहीं चला है, वरना वो हाथ नहीं उठाएगी, सीधे थप्पड़ मारेगी और मामा भांजे दोनों का गाल ना पूरी जिंदगी लाल रहेगा। मैंने मामा जी अनीता को कितनी बार समझाया कि वो मुझसे दूर रहे, मेरे नजदीक आने की कोशिश ना करें, लेकिन वो मानती नहीं। अरे तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हें अनीता का साथ मिला है, वरना इस शहर में न जाने कितने अरब पति करोड़पति हैं जो उसके आसपास फटक भी नहीं पाते। देखिए मामा जी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं मानसी को चाहता हूं और मुझे अनीता का साथ नहीं चाहिए। अरे इसे कहते हैं दिमाग का दिवालियापन। तुझे ना मानसी का प्रेम रोग लग गया है। अरे वक्त रहते इस रोग का इलाज करवा लो, वरना कहीं के नहीं रह जाओ। मामा जी, मेरी समझ में नहीं आता कि अनीता के साथ मेरा रिश्ता जोड़ के आपको क्या मिलेगा? मुझे? अरे मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा तुझे गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, अरे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी,
और चार पीढ़ी भी बैठ के खाओगे ना तो कम नहीं पड़ेगा। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो भांजे एक काम कर, तू ना हिमालय पे चला जा, अरे वहां बैठ के तू नहीं रहा जाके। अरे पराधीन सपने सुखना ही, अरे आंख मूंद लो कतौ कुछ नहीं। सही अब्दुल, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना बैठा? साफ साफ सारी बातें बता क्यों नहीं देता? वरना तुझे मैं एनकाउंटर में। इंस्पेक्टर साहब, जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं? झूठ बोलता है तू, अपने साथियों को बचाना चाहता है। देख, कोई नहीं बचने वाला, तेरे साथ साथ वो भी मारे जाएंगे। सब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है। छोड़ दूं तुझे? देख अब्दुल, मुझे पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है, तू और तेरे साथी इस शहर में किस मकसद से, किस इरादे से आए थे। अब्दुल सारी बातें साफ साफ बता दे मुझे, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरा हाल क्या हुआ। बोल! मैं आपको क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब? क्या बताऊं मैं आपको? यही कि तेरे और साथी का। इंस्पेक्टर साहब, मैं उनसे अपनी जान बचाकर भागा हूं। अच्छा, जहां से तू भागा उस जगह की कोई पहचान? बोल। मठ में एक बंगला है साईं कृपा, हम लोगों को उसी बंगले में रखा गया था। वो लोग मुझसे गलत काम करवाना चाहते थे, मैंने मना किया तो वो लोग मुझे जान से मार देना चाहते थे। फिर तू मौका देखकर भागा? जी। अच्छा अब्दुल, इस सरगने का लीडर कौन है? उसका नाम सुलेमान, सुलेमान नाम है उसका। उसके दो साथी भी, बशीर और राणा। इंस्पेक्टर साहब, वो अभी तक उसी बंगले में छिपे हुए होंगे। मकुम, जेब निकालो। अच्छा अब्दुल, एक बात बता, गद्दारी तो नहीं कर रहा ना? नहीं। तो ठीक है, तेरा असली नाम?